गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, 12th एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री को समझने से पहले हम आपको कुछ केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे, जो हमारे 12th की बुक्स के अंदर काम आएंगे। कि आपने 11th क्लास की केमिस्ट्री यदि तरीके से ढंग से पढ़ी होगी तो शायद आपको कोई 12th क्लास में प्रॉब्लम आए। सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट्स है केमिस्ट्री का, वो है पीरियोडिक टेबल अर्थात आवर्त सारणी, और जितनी भी रिएक्शंस है वो आवर्त सारणी के तत्वों की जब तक आपको नॉलेज नहीं है कि कौन से तत्व का क्या नाम है, कौन से वर्ग का है, कौन सा एटॉमिक नंबर है उसका, कौन से उसकी वैलेंसी है, जब तक आपको ये जनरल चीज की नॉलेज नहीं है तब तक आपको केमिस्ट्री की रिएक्शंस या केमिस्ट्री के पार्ट्स को पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो क्यों ना हम सबसे पहले केमिस्ट्री का कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं कर हम आपको कुछ बेसिक नॉलेज पर चर्चा करते हैं। और केमिस्ट्री का मूल आधार है हमारा पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी को याद करने का क्या तरीका है, किस प्रकार से आवर्त सारणी को याद करना है, कितने ब्लॉक्स होते हैं आवर्त सारणी में, कितने वर्ग होते हैं, कितने आवर्त होते हैं, कौन से तत्व का कौन सा एटॉमिक नंबर होता है, कौन से तत्व की कितनी संयोजकता होती है, कौन से तत्व का कितना मास नंबर होता है, ये सब हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा जनरल केमिस्ट्री, मतलब सामान्य रसायन विज्ञान, और इसके अंदर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आवर्त सारणी। आवर्त सारणी की नॉलेज होना भी आवश्यक है, इसलिए हम कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं करके कुछ जनरल केमिस्ट्री के टॉपिक्स पर एक दो टॉपिक और चर्चा करेंगे। रासायनिक सूत्रों का निर्माण किस प्रकार से होता है, कि कौन से यौगिक का सूत्र क्या बनेगा, कौन से यौगिक पर कितना आवेश होगा, ये सभी हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी 12th की केमिस्ट्री में 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जिनके अंदर रिएक्शन आती है और रिएक्शन को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। तो उनका जब तक हमें नॉलेज नहीं है, ये सब आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं कुछ रिविजन करवा कर आपको कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। आवर्त सारणी के अंदर आपसे पूछ ले कि आवर्त कितने होते हैं, आवर्त की संख्या होती है 7 और वर्ग की संख्या होती है 18। आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग होते हैं। और ये कौन सी आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं, हम आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी की या मोजली की आवर्त सारणी, जिसमें सबसे कम दोष या त्रुटि आती। इससे पहले डोबेराइलर का त्रिक नियम भी आया था, इससे पहले और बहुत सारी आवर्त सारणी आई थी जिनमें बहुत कमियां आई और उन कमियों को दूर करते करते सबसे अंत में जो आवर्त सारणी बनी है हमारी वो है आधुनिक आवर्त सारणी या मोजले की आवर्त सारणी जिसे हम कहते हैं। और इस मोजले की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या थी 7 और वर्ग की संख्या थी 18। तो इस आवर्त सारणी को हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे और ट्रिक के सहायता से हम इसको आपको याद भी करवाएंगे। बिना देखे आप आवर्त सारणी को कंप्लीट लिख सकते हो, आपको ध्यान से बोर्ड की तरफ देखना है। आवर्त सारणी के अंदर ध्यान रखना है कि आवर्त सारणी के अंदर 4 ब्लॉक होते हैं। आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है, एक होता है एस ब्लॉक, दूसरा होता है पी ब्लॉक, तीसरा होता है डी ब्लॉक और चौथा होता है आपका एफ ब्लॉक। आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक्स में वर्गीकृत किया है और 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग होता है। तो हमें आवर्त सारणी को यहाँ जमाना नहीं है, कुछ सजाना नहीं है, हमें याद करना है कि कौन से ब्लॉक में कौन कौन से तत्व होते हैं। इसे एस ब्लॉक नाम क्यों का दिया, दूसरे वर्ग संख्या जो 2 से लेकर और वर्ग संख्या 3 से लेकर वर्ग संख्या 12 के जो तत्व होते हैं उसे डी ब्लॉक कहते हैं, उसे डी ब्लॉक नाम क्यों दिया। वर्ग संख्या 13 से लेकर वर्ग संख्या 18 तक के जो तत्व होते हैं उसे पी ब्लॉक कहते हैं, उसे पी ब्लॉक नाम क्यों दिया। और एफ ब्लॉक के जो तत्व है उन्हें आवर्त सारणी से भिन्न स्थान पर रखा है, उन्हें भिन्न स्थान पर क्यों रखा, आवर्त सारणी में शामिल क्यों नहीं आया, इन सबका कारण हम समझेंगे। तो ध्यान रखना कि एस ब्लॉक में तो वर्ग आता है वर्ग 1 से और वर्ग आता 2 तक, पी ब्लॉक में वर्ग आता है वर्ग 13 से वर्ग 18 तक, डी ब्लॉक में वर्ग आता है 2 के बाद में 3 से लेकर और यहाँ 13 आ गया तो 13 से पहले कहाँ तक,
नीचे रखा गया है, आवर सारणी के नीचे रखा गया है, इसका कोई वर्ग या कोई आवर्त नहीं। अब हम एक एक ब्लॉक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम याद करेंगे एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंदर दो वर्ग आते हैं, वर्ग संख्या एक और वर्ग संख्या दो। लेकिन पहले वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं, दूसरे वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला ब्लॉक पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंदर मैंने आपको बताया दो वर्ग आते हैं, एक पहला वर्ग और एक कौन सा वर्ग आता है, दूसरा वर्ग। पहले वर्ग को किस प्रकार से याद करें, याद करने का तरीका क्या है? पहले वर्ग को, एक लड़की है और उस लड़की का नाम है हलीना, है ली मतलब एल आई ली ना। एक लड़की है, उस लड़की का नाम क्या है, हलीना। हलीना करे, हलीना करे रब, रब यानी होता है भगवान, रब से मतलब भगवान से प्रार्थना करती है। एफ आर का मतलब फरियाद और फरियाद का मतलब होता है प्रार्थना। पहले वर्ग को याद करने का तरीका हो गया कि हलीना नाम की कोई लड़की है, हलीना करे रब से फरियाद। अब आपसे पूछ रहे हैं पहले वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, एल आई का मतलब होता है लिथियम, एन ए का मतलब होता है सोडियम, के का मतलब पोटेशियम, आर बी का मतलब रुबिडियम, सी एस का मतलब सीजियम, एफ आर का मतलब फ्रेंसियम। ये जितने भी तत्व हैं इन्हें वर्ग संख्या एक में रखा है, इन्हें वर्ग संख्या एक में रखा है और इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो एन एस वन होता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को कैसे बढ़ते हैं, ये नाइन्थ क्लास के अंदर से आप सीखते आ रहे हो, लेकिन फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है कि सबके बाह्यतम कोष में एस के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें भी एस में इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें भी बाह्यतम कोष के एस कक्षक में इसमें कितना कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसे वर्ग संख्या एक कहते हैं। और इस वर्ग संख्या एक को ही हम क्षारीय धातु के नाम से भी जानते हैं। कौन सी धातु के नाम से भी जानते हैं, क्षारीय धातु। तुम्हारी जेड की एग्जाम के अंदर, जेड की एग्जाम के अंदर आवर्त सारणी से कम दो से तीन क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। आप कोई सा भी जेड का पेपर उठा के देख लेना, कोई ऐसा जेड का पेपर नहीं बना जहां से आवर्त सारणी से क्वेश्चन नहीं आता हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आवर्त सारणी, और यहाँ से 100% जेड के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखने की चीज है कि एस ब्लॉक के अंदर दो वर्ग आते हैं, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। पहले वर्ग को क्षारीय धातु कहते हैं, पहले वर्ग के अंदर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम तत्व आते हैं, जिन्हें याद करने का तरीका हलीना करे रब से फरियाद। अब बात आई दूसरे वर्ग की कि दूसरे वर्ग के अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं, दूसरे वर्ग के अंदर ये तत्व आते हैं और इनको याद करने का तरीका है, बी का मतलब है बेटा, एनजी का मतलब मांगे, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बेटा सुंदर कन्या मांग रहा है, कन्या सुंदर बाप लाज, अरे उसके बहू अच्छी आएगी तो बाप क्या होगा, राजी होगा कि बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप लाज। ये हमारा वर्ग हो गया। दूसरा, दूसरे वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं, बी को बोलते हैं बेरिलियम, एम जी को बोलते हैं मैग्नीशियम, सी ए को बोलते हैं कैल्शियम, एस आर को बोलते हैं स्ट्रेंशियम, बी ए को बोलते हैं बेरियम, ये बेरिलियम है, ये बेरियम है, और आर ए को बोलते हैं। इस प्रकार से ये हमारा दूसरा वर्ग हुआ और इस दूसरे वर्ग का पाया
याद है, आपको नाम नहीं पता तत्व का तो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको इतना पता होना चाहिए कि क्षारीय मृदा धातु कौन से वर्ग के तत्व को कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं कौन से वर्ग के तत्व को, दूसरे वर्ग के तत्व को। तो इसमें से देखो दूसरे वर्ग का तत्व कौन है, Mg, और यहाँ भी क्या है Mg, अर्थात यहाँ पर क्षारीय मृदा धातु कौन सी होगी, मैग्नीशियम। बाकी ये सूत्र के तीन तत्व है वो देखो आपके प्रथम वर्ग के तत्व है Li, लिथियम, Na, सोडियम, K, पोटेशियम। तो इन्हें क्षारीय मृदा धातु नहीं कहेंगे, इन्हें कहेंगे क्षारीय धातु। इन्हें क्या कहेंगे, क्षारीय धातु। अब इसी क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, यदि आप नॉलेज क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के पूछे इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख देता कि निम्न में से क्षारीय धातु नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन वही है क्या, मैंने क्वेश्चन को इस प्रकार से लिख दिया कि निम्न में से क्षारीय धातु नहीं है। तो लिथियम क्षारीय धातु है, सोडियम क्षारीय धातु है, पोटेशियम भी क्षारीय धातु है, तो नहीं है पूछा है तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाता है, मैग्नीशियम। देखो यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है, यदि आपको नॉलेज है टॉपिक के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से पूछ ले आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। केवल आपको रटना नहीं है केमिस्ट्री को, केमिस्ट्री को समझ के याद करना, समझ के याद करोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको केमिस्ट्री के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। जब तक आपके अंदर विषय के प्रति, सब्जेक्ट के प्रति रुचि नहीं है, तब तक ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ आपके लिए और ना ही आप कुछ कर सकते हो पढ़ने के लिए। सबसे पहले मन के अंदर जब तक बाह्य प्रेशर, देखो एक घोड़े को पानी पीने के लिए तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मतलब मैं या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें स्कूल तक तो भेज सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें याद कराने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक तुम्हारा अंदर का मन जागृत नहीं होगा पढ़ने के प्रति, तब तक चाहे दुनिया का कोई सा भी मतलब बढ़िया से बढ़िया टीचर आपके सामने प्रस्तुत हो तो भी आपको याद नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर सब्जेक्ट के प्रति रुचि नहीं है। लेकिन आपके अंदर यदि सब्जेक्ट के प्रति रुचि है और कोई छोटा सा बच्चा भी आपको कुछ पढ़ाता है और आपके अंदर रुचि है, तो आपको कुछ ना कुछ छोटे से बच्चे से सीखने को मिलेगा। और जो एक बार किसी सब्जेक्ट के प्रति आपके अंदर रुचि उत्पन्न हो गई तो वो सब्जेक्ट यूँ मान लो आपके लिए सरल होता जा रहा है, और यदि अंदर रुचि नहीं है तो सब्जेक्ट कठिन बनता जाएगा। तो इसलिए आप तरीके से जिस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है उस प्रकार से पढ़ लोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आप कहीं भी कोचिंग जेट ब्रेड की कहीं भी कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे आप एग्जाम को पास कर सकते हो। इस प्रकार से अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि निम्न में से पोटेशियम का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा फर्स्ट ऑप्शन 2s2, सेकेंड ऑप्शन 3s2, थर्ड ऑप्शन 4s2, फोर्थ ऑप्शन 5s2। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना नहीं आता, हमें पता नहीं किस तत्व का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इस वर्ग का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ns1 है, इस वर्ग का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ns2, सॉरी मेरे 2s2 की जगह सब में S1 है, क्योंकि पोटेशियम पहले वर्ग का तत्व सब में S1 है। अगर हमें पता है कि पहले वर्ग का तत्व Ns1 होता है, दूसरे वर्ग का तत्व Ns2 होता है, तो भी हम किसी भी तत्व का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिना कुछ जाने, हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनना नहीं आता, तो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ध्यान से सुनो। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है जब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, जब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो उनकी क्वांटम संख्या में एक एक की वृद्धि होती है। देखो क्वांटम संख्या का मतलब क्या है, जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा सब में S1 S1 S1
सात मिनट चाहिए, और यदि आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो आप मात्र 10 सेकंड में इस प्रश्न का जवाब दे सकते हो। एक नॉलेज है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, फिर भी आप इस प्रश्न का जवाब 5 मिनट में दे रहे हो, लेकिन आपको ट्रिक पता है और टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है, फिर भी आप प्रश्न का जवाब मात्र 10 सेकंड में दे रहे हो। तो इसलिए आपको कंसेप्ट के साथ साथ पेपर को सोल्व करने के लिए, क्योंकि एग्जाम पेपर में हमारे पास समय बहुत कम रहता है, क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ कंसेप्ट लगाने के साथ साथ आपको ट्रिक्स भी आनी चाहिए कि कम समय में हम अधिक से अधिक क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, जैसे पोटेशियम का वायवीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, पोटेशियम का वायवीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 4s1 हमारे क्वेश्चन का जवाब आ गया 4s1। आपसे पूछ लिए लिथियम का वायवीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, देखिए बता दोगे क्या 2s1। आपसे पूछ लिए सीडियम का वायवीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, देखिए बता दोगे 6s1। आपसे पूछ लिए यूरेनियम का वायवीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, देखिए बता दोगे। तो आपको याद रखने की जरूरत पड़ी क्या? आपको तो सिर्फ क्या याद रखना है कि पहले वर्ग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है, और जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो एक एक संख्या बढ़ाते जाओ, 1 के बाद 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 S1 S1 समझते हैं। इसी प्रकार से वर्ग 2 में पूछ लिया आपसे क्वेश्चन नंबर 3 पूछ लिया, और क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ लिया कि स्ट्रॉन्शियम का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, स्ट्रॉन्शियम का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, विन्यास है स्ट्रॉन्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आपसे पहला ऑप्शन पूछ लिया 3s1 या 4s2, फिर पूछ लिया 5s2, फिर पूछ लिया 6s2, और एक पूछ लिया आपसे 4s1। अब स्ट्रॉन्शियम SR को पहचानो पहले कि SR कौन से वर्ग में आता है। तो आपके सामने पता है SR कौन से वर्ग में आता है? दूसरे वर्ग में। कौन से वर्ग में आता है? दूसरे वर्ग में। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें? तो यहाँ तो ये तो पता है हमें S2 तो आएगा ही आएगा, दूसरे वर्ग में S2 तो आएगा ही आएगा, तो इसका मतलब S1 वाला ऑप्शन हमने यही कर दिया। इसका जवाब S1 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दूसरे वर्ग का तत्व है और S के अंदर दूसरे वर्ग में बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए S2 आया। अब बात करें, मैंने बताया था ऊपर से नीचे आने पर एक एक क्वांटम संख्या में वृद्धि होती जाती है, तो ये पहली लाइन में तो आता यहाँ S1 1S1, और दूसरी लाइन में यहाँ पर क्या है 2S, इसकी क्वांटम संख्या 2 होगी, तीसरे आवर्त की क्वांटम संख्या 3 होगी, चौथे आवर्त की क्वांटम संख्या 4 होगी, पांचवे आवर्त की क्वांटम संख्या 5 होगी, छठे आवर्त की 6 होगी, और सातवें आवर्त की कितनी होगी? 7 होगी। हमसे क्वेश्चन पूछा है स्ट्रॉन्शियम का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो स्ट्रॉन्शियम का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे पास आ गया 5s2। अगर स्ट्रॉन्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने बैठे तो हमें बहुत समय चाहिए, लेकिन हमें ट्रिक पता है तो हम इसे मात्र 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको एस ब्लॉक के बारे में मैंने आपको बताया कि एस ब्लॉक में 2 वर्ग होते हैं, वर्ग संख्या 1 वर्ग संख्या 2। वर्ग संख्या 1 को क्षारीय धातु कहते हैं, वर्ग संख्या 2 को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। याद करना पड़ेगा आपको, वर्ग 1 को क्षारीय धातु कहते हैं, वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। वर्ग 1 में याद करने की तरीका, उसको हलीना करे रब से फरियाद, है लीना करे रब से फरियाद। वर्ग 2 को याद करने की तरीका, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप। दूसरी भी तरीके से याद करने की, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप होए, बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप हो, अरे बाप होएगा ही, उसका बेटा कार और स्कूटर दो दो चीज मांग रहा है, वो कहां से लाके देगा? तो एक पर राज्य भी कर सकते हो बाप को, एक पर रुला भी सकते हो। तो देखो ये तरीका है याद करने का, कोई बुक्स के अंदर नियम नहीं है का, इसी तरीके से इसको याद करो। आप अपने तरीके से भी किसी भी प्रकार से अपनी को ट्रिक बना लो, उसके माध्यम से याद कर लो, लेकिन आपका टारगेट है इसे याद करने का, क्योंकि जब तक हमें ये याद नहीं होगी तब तक हम क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते। मैंने बताया वर्ग एस ब्लॉक में 2 वर्ग आते हैं, वर्ग 1 वर्ग 2, वर्ग 1 को क्षारीय धातु कहते हैं, वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, वर्ग 1 में ये तत्व आते हैं, वर्ग 2 में ये तत्व आते हैं। वर्ग 1 का वाहक इलेक्ट्रॉनिक
ये याद रखना पड़ेगा कि वर्ग एक वाहकम कोश में एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए संयोजकता भी एक होती है। ये जितने भी तत्व हैं सबकी संयोजकता एक होती है। वर्ग दो के वाहकम कोश में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन एस टू लिख रखता है, मतलब एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। और जब यहाँ वाहकम कोश में इलेक्ट्रॉन दो होंगे तो दूसरे वर्ग की संयोजकता कितनी होगी, दो होगी। तो आपसे प्रश्न पूछ ले कि लिथियम की संयोजकता कितनी है, सोडियम की संयोजकता कितनी है, पोटेशियम की संयोजकता कितनी है, रुबिडियम की कितनी है, सीजियम की कितनी है, तो सबका जवाब आएगा एक, क्योंकि पहले वर्ग के जितने भी तत्व है सबकी वैलेंस इवन संयोजकता एक होती है, क्योंकि उनके वाहकम कोश में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जबकि दूसरे वर्ग की वैलेंसी दो होती है, क्योंकि उनके वाहकम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, दो पाए जाते हैं। यदि आपको वैलेंसी संयोजकता के बारे में पता होगा तो आप यौगिकों के आणविक सूत्र, रासायनिक सूत्र के निर्माण में भी हमें बहुत सहायता मिलेगी। जैसे आपने देखा होगा कि NaCl लिखते हैं जबकि NaCl लिखते हैं, अरे यहां देख रहे हो कि Na सोडियम कौन से वर्ग का तत्व है, पहले का, इसके वाहकम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, इसलिए सोडियम सिर्फ एक तत्व के साथ हो सकता है Cl के साथ, कभी भी इस वर्ग के तत्व दो बंध नहीं बना सकते, सिर्फ कितना बंध बना सकता है, एक। कोई से उठा के देख लो उदाहरण, जैसे आपने लिखा HCl, तो हाइड्रोजन भी कितने तत्व के साथ जुड़ रहा है, एक के साथ ही जुड़ रहा है। कोई सा भी उदाहरण ले लो, जैसे आपने ले लिया KCl, तो पोटेशियम भी कितने तत्व के साथ जुड़ रहा है, एक के साथ। अर्थात पहले वर्ग के तत्व की संयोजकता एक होती है, केवल एक बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसके वाहकम कोश में सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एक। अब आप देख रहे हो MgCl2, मतलब एक मैग्नीशियम से कितने Cl जुड़ रहे हैं, दो Cl जुड़ रहे हैं। अब यहाँ दो क्यों जुड़ रहे हैं, क्योंकि मैग्नीशियम दूसरे वर्ग का तत्व है जिसके वाहकम कोश में दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ये कितनी वैलेंसी प्रदर्शित कर सकता है, दो संयोजकता, अर्थात दो बंधों का क्या कर सकता है, निर्माण। मेरा कहने का मतलब है क्वेश्चन आपसे किसी भी प्रकार से पूछे, यदि आपको कंसेप्ट आपके क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। और यदि आपने रट के याद किया किसी चीज को और हल्का से क्वेश्चन को घुमा दिया तो आपका कंसेप्ट फेल हो जाएगा उस चीज का, इसलिए रटने की बजाय आपको समझने पर फोकस करना है, और समझने के साथ साथ आप किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो हमने अभी आपके सामने दो ब्लॉक्स पर, एक ब्लॉक पर चर्चा की एस ब्लॉक पर, और एस ब्लॉक में दो वर्ग आते हैं, वर्ग प्रथम और वर्ग सेकंड। इसी के साथ साथ हम इसी प्रकार से अन्य वर्गों की चर्चा भी करेंगे। तो एस ब्लॉक के बाद हम दूसरा वर्ग ले लेते हैं, अब पी ब्लॉक। इसके बाद दूसरा ब्लॉक में हमारा पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक में आपसे कहा था मैंने कि वर्ग संख्या 13 से और वर्ग संख्या 18 तक के तत्व आते हैं, वर्ग संख्या 13 से और 18 के तत्व आते हैं, 18 तक के तत्व आते हैं। तो हम एक एक को नोट कर लेते हैं, वर्ग 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17 और 17 के बाद 18। कौन कौन से वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं, ये हमारा कंप्लीट हुआ वर्ग संख्या 13 से लेकर और वर्ग संख्या 18।
कंप्लीट। अब इसे किस प्रकार से याद करें, वर्ग संख्या 13 से लेकर वर्ग संख्या 18 तक हमारे कितने वर्ग हो गए, 6 वर्ग हो गए, और 6 वर्गों को हम किस प्रकार से याद करें। तो 13 वर्ग को याद करने के लिए कहते हैं कि तीन सब्जी है, कौन कौन सी, बैंगन, आलू, गाजर, और तीनों सब्जी थैले में, इन थैला, बैंगन, आलू, गाजर, गेहूं, थैला, ठीक है। इसके बाद 14 वर्ग को याद करने के लिए क्या है, सी और ऐसा ही दोनों से मिलकर बना है काशी, काशी गए शंकर पार्वती, शंकर पार्वती, शंकर और पार्वती जी मांगे काशी है। इसके बाद 15 वर्ग को याद करने का तरीका है कि तीन देश है, एन का मतलब नेपाल, बी का मतलब पाकिस्तान, एस का मतलब ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब के सब क्या है, बिहार, सब बिहार। अगले 16 वर्ग को याद करने का तरीका क्या है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, इन दोनों से मिलकर बनाए टीपो, कि पुराने तरीके से नकल करो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। 17 वर्ग का याद करने का तरीका क्या है, एफ का मतलब फिर, सी एल का मतलब कल, बी आर का मतलब बाहर, आई का मतलब आई, और एटी का मतलब आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। 18 वर्ग का याद करने का तरीका क्या है, हेमा मालिनी, हेमा मालिनी को जानते हो, हेमा मालिनी ने अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जिंदगी रंग दी, अरविंद केजरीवाल की जिंदगी रंग। और भी तरीके हैं इसको याद करने के कि है ना आगरकर, आगरकर भारतीय क्रिकेट टीम का एक खिलाड़ी है ना आगरकर जीरो रन पर, है ना आगरकर जीरो रन पर। तो इस प्रकार से पहला फोकस तो आपका रहेगा कि आप कौन से वर्ग में कौन सा तत्व आता है, उसे आपको याद होना चाहिए। अब उसके बाद इनके बायतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या क्या है, इनके उपनाम क्या क्या है, इन्हें हम जल्दी से देख लेंगे। तो वर्ग 13 का बायतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NH3, ये शुरू शुरू वाला ध्यान रखो, आगे की ध्यान रखने की जरूरत आपको नहीं है, NH2NH3। अब यहाँ P1 है, यहाँ P2 हो जाएगा, यहाँ P3 हो जाएगा, यहाँ P4 हो जाएगा, यहाँ P5 हो जाएगा, यहाँ P6 हो जाएगा, तो इसका बायतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा NH2NH3। इसका बायतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा NH2NH3। इसका बायतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा NH2NH4। इसका बायतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा NH2NH5। और इसका बायतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा NH2NH6। ठीक है, अर्थात ये जितने भी तत्व है सब में H2H2 और P1 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 आएगा, ऊपर से नीचे आने पर एक एक क्वांटम संख्या बढ़ानी है इसे। यहाँ जितने भी तत्व है सब में H2H2H2 और P2 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 आएगा, यहाँ जितने भी तत्व है सब में H2H2H2 P3 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 आएगा, केवल ऊपर से नीचे आने पर एक एक क्वांटम संख्या बढ़ानी है। यहाँ H2P4 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 H2P4, यहाँ H2P5 आएगा और यहाँ H2P6 आएगा। ये इस प्रकार से आप किसी भी तत्व का बाहतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। अब इसके बाद कौन से वर्ग को किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना 18वें वर्ग के दो तीन नाम है। 18वें वर्ग का नाम है अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, नोबेल गैस या नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस, ये सभी 18 वर्ग के। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से उत्कृष्ट गैस है या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए उत्कृष्ट गैस, ये सभी उत्कृष्ट गैस है, ये सभी अक्रिय गैस है, ये सभी नोबल गैस है। अक्रिय गैस को इसलिए कहा है क्योंकि किसी से क्रिया नहीं करते, अक्रिय जो
और ये उच्चतम श्रेणी की उत्कृष्ट गैसों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए क्या कह दिया उत्कृष्ट गैस कहते हैं। सत्रवें वर्ग को कहते हैं हैलोजन तत्व। सत्रवें वर्ग के तत्वों को क्या कहते हैं? हैलोजन तत्व। सोलहवें वर्ग के तत्व को कहते हैं चालकोजन तत्व। चालकोजन तत्व। पंद्रहवें वर्ग के तत्वों को कहते हैं नाइट्रोजन परिवार, क्योंकि सूक्ष्म का तत्व किसका है? नाइट्रोजन का। तो ये पूरा किसका परिवार हो गया? नाइट्रोजन का। ये पूरा किसका परिवार हो गया? कार्बन परिवार। तो ये पूरा किसका परिवार हो गया? ब्रोमोन परिवार। आपसे पूछ रहे कि तेरहवें वर्ग में किसका परिवार आता है? ब्रोमोन का परिवार। चौदहवें वर्ग में कार्बन का परिवार, पंद्रहवें वर्ग में नाइट्रोजन का परिवार, सोलहवें वर्ग को चालकोजन वर्ग, सत्रहवें वर्ग हैलोजन वर्ग, अठारहवें वर्ग को अक्रिय गैस, नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए कल की क्लास के अंदर इनके एटमिक नंबर अर्थात परमाणु क्रमांक किस प्रकार से याद किए जाते हैं, इनके एटमिक नंबर याद करना सीखेंगे, इनकी वैलेंसी देखेंगे और वैलेंसी के साथ साथ इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।